हरे कृष्णा अध्याय पांचवा श्लोक नंबर छः। सन्यस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा नचिरेनाधिगच्छति। इसका अर्थ, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसका तात्पर्य, सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्या दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पांच रात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्या तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उब कर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहते हैं कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ है, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों, जो श्रीला प्रभुपाद ने हमको दिया है। तो अब इस श्लोक के द्वारा भगवान हमें बताते हैं कि कौन सुख प्राप्त कर सकता है, और वो भी शीघ्र से शीघ्र। क्या सुख? परमात्मा प्राप्ति का, परमेश्वर प्राप्ति का, है ना। भगवान हमें मिल गए तो हर सुख सुविधा और सब कुछ हमको मिल गया। क्यों? क्योंकि भगवान की संगति ही जीव को सुखी बना सकता है। ये भौतिक पदार्थ और वस्तुएं हमें टेम्पररी सुख देती है, ये शाश्वत नहीं है। थोड़ा सा जैसे पानी में बुलबुला उठता है ना और फिर फूट जाता है, वैसा सुख है जो दिख रहा है मगर वो है नहीं, और उसके पीछे बहुत सारे दुख छुपे होते हैं। जैसे हम संत पुरंदरा दास की कथा सुन रहे थे, उसमें मैंने कहा था ना उनके बहुत अच्छे अच्छे भजन हैं, तो उनमें से एक भजन ऐसा है उनका कि मदल तोरुती दे मधुर विषय सुख कड़यली दुख अनेका हरि भजने माड़ू निरंतरा। इसका मतलब है, पहले हमको दिखता है विषय सुख, बहुत अट्रैक्टिव माया हमको सुख दिखाती है, एकदम अट्रैक्टिव खूबसूरती से ग्लैमर युक्त, जो आजकल बढ़ते जा रहा है ना और हम खींचते जा रहे हैं उस ग्लैमर के पीछे, मगर उसके पीछे दुख रूपी कुआं, बहुत बड़ा कुआं इंतजार कर रहा है हमारा, जो माया हमको ढकलने वाली है उसके अंदर। इसीलिए हरि भजने माड़ू निरंतरा, हरि का भजन करो निरंतर, जो सब सुख की प्राप्ति हो जाती है, वो भी शाश्वत, शाश्वत सुख।
तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद हमको समझाते हैं कि थीम क्या है, मेन भगवान हमको क्या बताना चाहते हैं कि सूखा सूखा त्याग जो है, ये जो ज्ञान मार्ग बता रहे हैं भगवान, ये बहुत डिफिकल्ट है और डिस्ट्रेसफुल है। क्यों बताते हैं भगवान ये हमें? क्योंकि ये कर्म योग मतलब भक्ति कृष्ण भावनामृत से कंपेयर करते हैं। ये सब चीज़ भगवान इसीलिए बता रहे हैं ताकि हम भक्ति का महत्व समझ सके, कृष्ण भक्ति का महत्व समझ सके। जहाँ पे ये ज्ञान मार्ग इतनी डिफिकल्ट है और बहुत ब्रेन हैमरेजिंग है, वहीं पे कर्म योग सबसे उत्तम है। और ये प्रोसेस एकदम सिंपल, सरल और इजी है, और इसका रिजल्ट 100% श्योर है। क्या है? मुक्त होना। मुक्ति का मतलब है भगवान परमेश्वर को पाना, कृष्ण भगवान को पाना। अभी कुछ मैं आपको डिफरेंसेस बताती हूँ इसका, आप चाहिए तो नोट कर सकते हैं, जो ये रूखा सूखा त्याग जो मायावादी सन्यासी करते हैं और वैष्णव सन्यासी जो भक्तिमय कार्य में करते हैं, इन दोनों के बीच में हम कंक्लूजन्स और डिफरेंसेस देखेंगे। तो पहले लेते हैं त्याग जो मायावादी सन्यासी करते हैं ज्ञान मार्ग से, मतलब संख्या फिलॉसफी के थ्रू, दर्शन शास्त्र के हिसाब से। तो इसमें क्या होता है, पहले ही प्यूरिफिकेशन ज़रूरत होती है, कुछ कुछ कार्यों के युक्त ये पवित्रता उनको लानी पड़ती है। और सिर्फ ज्ञान सफिशिएंट नहीं होता इसमें लिबरेशन के लिए, मुक्ति के लिए, तो ये प्रॉब्लम हो गई। तीसरी चीज़ है कि इसमें पूर्णता से संभव है, मतलब रिस्क है नीचे गिरने की, पातक होने की, पतित होने की, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और चौथा है, ये जो त्याग है, रिनाउंसिएशन है, ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कर्म का त्याग हो रहा है, भगवान की भक्ति नहीं हो रही है साइमल्टेनियसली, जो कि मूल उद्देश्य है। तो यहाँ पे रूट जो है, जो आत्मा है भौतिक संसार का, वो है विष्णु। तो उसको खोज रहे हैं ये लोग, वो एक है, मतलब खोज रहे हैं, कुछ सेवा नहीं हो रही, बस खोज रहे हैं ये लोग मूल रूट को। और जो प्रोसेस है वो जो इस जड़ वस्तु से है, वो अनासक्त होने का प्रोसेस है। तो ये भी बहुत डिफ़िकल्ट है कि हर टाइम उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, और कुछ खुशी भी नहीं मिल रही है जो इम्पॉर्टेंट है, खुशी हम जो ढूंढ रहे हैं, मगर वो खुशी हमको मिल नहीं रही, क्योंकि सूखा सूखा त्याग हम कर रहे हैं, ड्राई रिनाउंसिएशन। और हमारी इंद्रियों को काबू करने की कोशिश करते हैं, इसमें अनंत अनंत जन्म लग जाते हैं तपस्या में, अनुष्ठानों में सब, और हाथ कुछ नहीं लगता। जो आस्वादन दिव्य ज्ञान से, प्रेमामय भक्ति से जो वैष्णव भगवान की सेवा में लेते हैं, भगवान से ज़्यादा वो रुचि लेते हैं, प्रेम ये लेते हैं, आस्वादन करते हैं, वो ये लोग नहीं करते हैं ज्ञान मार्ग में। तो ये सबसे बड़ा सेटबैक है, ड्रॉबैक है, दिस इज ऑल्सो फेल्ड। और इसके लिए जैसे कहा गया है, बहुत बहुत जन्म निकल जाता है, पूरी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो भी कुछ समझ में नहीं आता है। और इसमें संख्या दर्शन जो है वो ये पढ़ते जाते हैं, अध्ययन करते जाते हैं, इसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। और इसके इसमें श्रीला प्रभुपाद ने आदि शंकराचार्य जो हैं उनका शरीरा भाष्य जो है वेदांत सूत्र में आता है, वो बताया है कि ये लोग उसका अध्ययन करते हैं। जैसे हम भागवतम, श्रीमद् भागवतम जो नेचुरल कमेंट्री है वेदांत सूत्र का, उसका अध्ययन करते हैं वैष्णव, मगर ये लोग शरीरक भाष्य वेदांत सूत्र में जो आता है उसका स्टडी करते हैं, जो संख्या फिलॉसफी पे डिपेंड है। तो इसमें जो है पूरी संभावना है गिरने की, मतलब पतन होने की। ऐसे लोग क्या करते हैं, भगवत भक्ति में नहीं आते हैं, जो परमानेंट सुख है वो पाने की कोशिश नहीं करते हैं, मूल उद्देश्य जो है जीवन का, परमात्मा की प्राप्ति, कृष्ण की प्राप्ति, वो नहीं करते हैं। ये सुख का परमानेंट सुख नहीं पाने की कोशिश करते हैं, टेम्पररी सुख पाने की कोशिश में क्या करते हैं, फिलंथ्रॉफिक एक्टिविटी, अल्ट्रिस्टिक एक्टिविटी शुरू करते हैं, मतलब लोगों का धर्मशाला खोलना या खाना खिलाना, ऐसे अनेक ये करते हैं, मगर उसमें सफलता उनको नहीं मिलती है। दिखती है लोगों को कि हाँ ये बहुत ये बड़े आदमी हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर अंदर से अनीति कुछ ना कुछ होते रहती है उनके कार्य से, क्योंकि
क्योंकि माया जो है वो बहुत प्रबल है कलयुग में, ये हमको किसी भी हालत में भूलना नहीं है। क्योंकि कुछ भी हम कार्य करने जाते हैं पुण्य कमाने के लिए, उधर कुछ ना कुछ माया हमें ललायित करती ही है। देखो ये तुमको मिल रहा है, वो तुमको मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, अपमान हो रहा है तुम्हारा, ऐसे उठना गिरना इसमें चालू रहता है। और बेचारा जीव एक पत्ते की तरह, जैसे हवा में पत्ता इधर से उधर, उधर से इधर हिलते रहता है, वैसे जीव बेचारा इधर से उधर, उधर से इधर भागते रहता है, ठोकर खाते रहता है माया के धोखे में आके, और हाथ उसके कुछ नहीं लगता है। वही कंपैरिजन में, कंक्लूजन में, हम भक्ति में, सेवा में भगवान के, वैष्णव जो सन्यासी से उनका जो रिलिश करते हैं, वो ये आस्वादन करते हैं ये प्रोसेस से, वो क्या होता है, ये प्रोसेस जो है भक्ति में कृष्ण भावना व्रत जो प्रोसेस है, ये इटसेल्फ प्यूरिफिकेशन है। मतलब ये इसको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम भगवत कार्य में लग जाते हैं, अपने आप हमारी पवित्रता होने लगती है, हम धीरे धीरे विष्णु की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जो कार्य है वो करना है, त्याग नहीं करना है कुछ चीज़ का, कार्य करना है किसके, भगवान के प्रति, आत्मा के स्तर पर रह के परमात्मा का सेवा करना है। जो कार्य हम कर रहे हैं उसी को भगवान को सेंटर रखते हुए करना है, वही है, उसी को त्याग कहते हैं, है ना। तो इसका असली मतलब ऐसे निकला, और इसमें 100% सक्सेस गारंटीड है। जैसे आजकल एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं ना, झूठा एडवर्टाइजमेंट, मगर ये है, ये भगवान की वाणी है और भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, तो इसीलिए 100% गारंटी है सक्सेस। सक्सेस क्या, भगवत धाम में प्रवेश मिल जाता है हमको इस प्रोसेस को हम जब फॉलो करते हैं सिंसियरली। और यही है कंप्लीट त्याग, पूर्णता से त्याग इसी को करते हैं। किसको, जब हम सभी उपक्रमों को, वस्तुओं को, भौतिक विषयों को भगवान की सेवा में, यूज में लगाते हैं, कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, जब हम भगवान से आसक्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, इसी को कहते हैं पूर्णता से त्याग, कंप्लीट रिनाउंसिएशन। और ये प्रोसेस क्या करती है, हमें अनंत सुख, ब्लिस प्रदान करती है, आनंद चिन्मय एकदम जो जीव अनुभव करता है कभी कभी भौतिक में, वो अनंत अनलिमिटेड फॉर्म में पाता है, खुशी पाता है भगवान की सेवा करके। तो और इसके आगे क्या होता है, सेंसेस हमारी जो भगवान की सेवा में लगी हुई है वो अपने आप कंट्रोल में आ जाती है, क्योंकि ऋषिकेश की सेवा में करते करते ऋषिकेश ही उसके कंट्रोलर हो जाते हैं। और ये भगवत प्राप्ति हमको पूर्णता से मिल जाती है, कैसे, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने से। तो ये पंचरात्रि की विधि से हम इतनी सारी सेवाएं भगवान के सेवा में लगा सकते हैं बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए। मतलब कार्य करते करते हमको भगवान को सेंटर रखते हुए सब कार्य करना है, उसी को कहते हैं पूर्ण त्याग। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। तो अगर नहीं भी आपको कुछ शंका है या नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि दिव्य ज्ञान इतना पवित्र है और इतना डिवाइन है भगवान का ये नॉलेज, भक्ति माय नॉलेज, ये अपने आप हमको पवित्र करता है, सुनते सुनते, सुनने मात्र से ही पवित्र कर देता है, और धीरे धीरे बुद्धि खुलने लगती है और हमारे समझ में सब कुछ आने लगता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।